अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम विजिट करेंगे दस मल्ला घर बहरेड लाहौर में। ये घर मौजूद है, ये इसका फ्रंट एलिवेशन का व्यू। एलिया प्रूट ब्लॉक में ये घर मौजूद है। 35-65 इस घर की डिमेंशन है, 35 फीट इसकी विथ है, 65 इसकी लेंथ है। इसके फ्रंट एलिवेशन में कंप्लीट यहाँ ग्रे कलर में रोपल किया गया और ये ग्रे कलर में ही इसमें टाइल वर्क हुआ है। फ्रंट एलिवेशन में ये राइट साइड पे विंडो दी गई है। ये फर्स्ट फ्लोर पे इसके बेडरूम की विंडो है, इसके साथ ये मोज़ेक वर्क हुआ है और आप देख सकते हैं ये सिल्वर कलर में इसमें ये पेंट किया गया। बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। और ये लेफ्ट साइड पर इसका टेरेस डिज़ाइन किया गया और इस टेरेस को फ्रंट से कवर्ड किया गया। प्रॉपर जो है सीटिंग टेबल प्लेस मैनेज की गई है इसके टेरेस में। ये ऊपर टॉप पे इसकी ममटी का व्यू है। ममटी में भी आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ टाइल वर्क हुआ है और ये मोज़ेक वर्क हुआ है। यहाँ ममटी में ये निश दी गई है। ये इसके फ्रंट मेन वॉल डिज़ाइन की गई है। ये फ्रंट वॉल पे आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ टाइल वर्क हुआ है। बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये इसके मेन डोर का डिज़ाइन ब्लैक और सिल्वर कलर में इसमें पेंट किया गया। ब्लैक और सिल्वर कलर में इसे पेंट किया गया। ये सिल्वर कलर के इसमें डॉट्स हैं, आयरन मेटल में इसे तैयार किया गया। ये इसमें गैराज का व्यू। ये गैराज में आप देख सकते हैं आपकी दो बड़ी गाड़ियां यहाँ इजीली पार्क हो सकती हैं। ये नीचे ग्राउंड पे ये डिज़ाइनिंग में 2x2 की टाइल यूज़ की गई है। ये इसके गैराज की फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है और इसके गैराज में आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ टाइल वर्क हुआ है। ये इसकी फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है। ये फ्रंट वॉल पे ये मोज़ेक वर्क हुआ है, वुड वर्क हुआ है या और ये टाइल यूज़ की गई है। इंटरेस्ट के साथ लेफ्ट साइड पर यह वॉल डिज़ाइन की गई आर्टिफिशियल ग्रास और कम्प्लीट यहाँ टाइल यूज़ की गई है। और ये 5 फीट गली दी गई है लेफ्ट साइड पर। इसी साइज में गली इस घर की बैक साइड पे दी गई है। ये इसके गैराज का व्यू दूसरी साइड से। और इंटरेस्ट के साथ ये राइट साइड पे ये इसमें फ्रंट ओपन स्पेस दी गई है। वाटर यूनिट दिया गया है। ये सामान वगैरह अभी कुछ पड़ा है, रिसेंटली घर ये कंप्लीट हुआ अभी। ये इसमें विंडो दी गई है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ड्राइंग रूम की विंडो है। इसके साथ आप देख सकते हैं कम्प्लीट यहाँ टाइल यूज़ की गई है। ग्लोब या इंस्टॉल है विंडो में, सेफ्टी के लिए यूज़ की गई है। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर इसके बेडरूम की विंडो है। ये इसका टेरेस डिज़ाइन किया गया फ्रंट साइड पे और ये गैराज का व्यू। इस तरह इसके फ्रंट साइड डिज़ाइन की गई है। बिल्कुल सामने इसका मेन डोर ये आप देख सकते हैं, काफ़ी वाइडर स्पेस है इस डोर की। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन गैराज का, फैन या इंस्टॉल है। ये मेन डोर से हम इंटर होंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसकी लोबी को इंटरेस्ट को डिज़ाइन किया गया। ये सीलिंग डिज़ाइन शैंडल या इंस्टॉल है। और इंटरेस्ट के साथ लेफ्ट साइड पर ये स्टेयर्स दी गई हैं जो ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच करेंगे। और स्टेज के साथ ये पाउडर रूम दिया गया। आप देख सकते हैं सिंक या इंस्टॉल है। ये एशियन सीट कंप्लीट यहाँ टाइल वर्क हुआ है। ये विंडो इसकी साइड 5 फीट गली की तरफ ओपन होगी। ये हम वापस आ गए इसकी लॉबी में। ये इसमें स्टेज साइड का व्यू कंप्लीट इसकी लॉबी का। ये सीलिंग डिजाइन और ये बिल्कुल सामने ये लिविंग एरिया का मेन डोर और ये राइट साइड पे ड्राइंग रूम का डोर दिया गया। ये ड्राइंग रूम के डोर से हम एंटर होंगे। ये आप देख सकते हैं ये फ्रंट वॉल इसकी डिज़ाइन की गई। ये फायर प्लेस दी गई है जो अभी फुली कंप्लीट नहीं है और वॉलपेपर इसमें यूज़ किया गया। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। लाइट्स दी गई हैं। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन सिंपल और खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है। शैंडल या इंस्टॉल है, फैन या इंस्टॉल है। ये इसमें विंडो दी गई है। ये विंडो बाहर से फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है। अभी हमने बाहर से ये विंडो विजिट की है। ये इसके ड्राइंग रूम का फुल व्यू। ये सीलिंग डिज़ाइन। ये नीचे ग्राउंड पे 2x4 की टाइल यूज़ की गई है। ये बिल्कुल सामने डोर दिया गया, कंप्लीट वॉल में ये डोर दिया गया। फोल्डिंग डोर है, इसे आप जो है फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आप इसे फोल्ड करते हैं तो आपका कंप्लीट एक होल डिज़ाइन हो जाता है। ये बिल्कुल सामने लिविंग एरिया और ये डोर ड्राइंग रूम को लिविंग एरिया से सेपरेट कर रहे हैं। सोरल वुड में इसे तैयार किया गया डोर को, ग्लास इसमें यूज़ किया गया। और ये आप देख सकते हैं ये इस तरह इस डोर को डिज़ाइन किया गया। ये इसे आप फोल्ड कर सकते हैं। ये इसके ड्राइंग रूम के डोर का डिज़ाइन। ये बिल्कुल सामने लिविंग एरिया, ये हम लिविंग एरिया में आ गए हैं। ये इसकी फ्रंट मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है, वुडन वर्क हुआ है इसमें, शीट वर्क हुआ है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल इसका सीलिंग डिज़ाइन है। खूबसूरत शैंडल या इंस्टॉल है, फैन या इंस्टॉल है। नीचे ग्राउंड पे ये 2x4 की टाइल यूज़ की गई है। और ड्राइंग रूम में, लिविंग एरिया में और बेडरूम में सेम इसी डिज़ाइन में, इसी कलर में टाइल यूज़ की गई है। ये मीडिया वॉल और ये इसकी फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है। मोल्डिंग वर्क हुआ है, यहाँ वॉलपेपर यूज़ किया गया, वुडन वर्क हुआ है। ये इस लिविंग एरिया का व्यू दूसरी साइड से। ये बिल्कुल सामने किचन स्पेस आप देख सकते हैं मास्टर साइज में।
ये किचन इसका डिज़ाइन किया गया और ये दो बेडरूम दिए गए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। ये बेडरूम के डोर है, पहले हम इसका किचन विजिट करेंगे। और ये लिविंग एरिया का मेन डोर है, हम एंटर हुए थे कि ड्राइंग रूम के डोर से। मतलब इस तरह इसका मैप डिज़ाइन किया गया। ये इसमें किचन का व्यू, किचन में आप देख सकते हैं ग्रे और वुडन डिज़ाइन में ये कवर शीट यूज़ की गई है, बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये विंडो दी गई, डोर दिया गया जो इसकी साइड 5 फीट गले की तरफ ओपन हो रहे हैं वेंटिलेशन के लिए। ये इसमें साइड गली का व्यू, ये इसकी गैराज साइड और ये इसकी बैक साइड पे जा रही है गली। इस तरह जो है ये डोर दिया गया किचन के साथ, ये विंडो दी गई है इसमें और ये वॉल के साथ आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट यहाँ टाइल वर्क हुआ है, बर्नर हुड या इंस्टॉल है, एग्जास्ट, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, फैन या इंस्टॉल है। ये इस किचन का फुल व्यू, मास्टर साइज में आप देख सकते हैं इसमें किचन स्पेस को मैनेज किया गया है। ये इसके लिविंग एरिया का व्यू दूसरी तरफ से, ये आप देख सकते हैं ये इसकी लॉबी, ये ड्राइंग रूम एरिया और ये बिल्कुल सामने ये गैराज का व्यू। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ये दो बेडरूम दिए गए हैं, पहले हम इसका ये फर्स्ट बेडरूम विजिट करेंगे। ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई जो इसकी बैक 5 फीट गली की तरफ ओपन होगी, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई। ये बेडशीट गोल्ड डिजाइन की गई, वॉलपेपर इसमें यूज़ किया गया, ग्लोब या स्टोन या निश दी गई, लाइट्स दी गई। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन या इंस्टॉल है। ये इसमें बेडशीट वॉल के सामने ये LED यूनिट, ये कवर स्पेस, ये इसमें वॉशरूम का व्यू और आप देख सकते हैं ये ब्रिक्स डिज़ाइन में बहुत ही खूबसूरत जो है ये इसमें टाइल वर्क हुआ है। यह राउंड इलेक्ट्रिक मिरर वैनिटी ये निश दी गई है, शावर सेट या इंस्टॉल है। ये विंडो इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी और ये आप देख सकते हैं ये लाइट ग्रे कलर में टाइल वर्क हुआ है, कमोड या इंस्टॉल है, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। ये हम वापस आ गए इसके बेडरूम में, ये बेडरूम का फुल व्यू, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, इसके साथ ये सेकंड बेडरूम का डोर है, ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई है, सेफ्टी ग्लिस में यूज़ की गई है और इसके साथ आप देख सकते हैं ये निश दी गई है, लाइट्स दी गई है, इसमें ग्लोब या इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, फैन या इंस्टॉल है। नीचे ग्राउंड पर ये 2x4 की टाइल यूज़ की गई है। ये इसमें LED यूनिट, ये कवर स्पेस और आप देख सकते हैं वॉल पेपर इसमें यूज़ नहीं किए गए, आप अपनी मर्जी से इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये वॉशरूम, वॉशरूम में बिल्कुल सामने ये वैनिटी, बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है, ये राउंड मिरर इलेक्ट्रिक और ये इसमें निश दी गई है ब्रिक्स डिज़ाइन में टाइल वर्क। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, शावर सेट या इंस्टॉल है। ये विंडो इसकी बैक 5 फीट गली की तरफ ओपन होगी, सेफ्टी ग्लिस में यूज़ की गई है और आप देख सकते हैं ये बाथ टब या इंस्टॉल है। ये कंसील्ड कमोड, ये इस वॉशरूम का फुल व्यू, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये वैनिटी, ये शावर स्पेस, बाथ टब यहाँ यूज़ किया गया। ये हम वापस आ गए हैं इसके बेडरूम में, ये इस बेडरूम का फुल व्यू, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टॉयलेट वर्क। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं। ये दो बेडरूम दिए गए हैं, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं। ये इसके लिविंग एरिया का व्यू, बिल्कुल सामने किचन स्पेस और ये ड्राइंग रूम एरिया। अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट करेंगे, इसके लिए हम वापस आ गए हैं इसकी लॉबी में। ये स्टेयर्स दी गई हैं जो ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच कर रही हैं, आप देख सकते हैं स्टील स्टेयर्स दी गई हैं, ये वुडन बॉर्डर इसमें वुडन बॉर्डर के साथ और ये स्टेयर स्टेप पे जेट ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया। और ये स्टेयर के सामने ये आप देख सकते हैं वॉल पेपर यूज़ किया गया इस वॉल पे और ये विंडो दी गई है जो इसके साइड 5 फीट गली की तरफ ओपन होगी वेंटिलेशन के लिए। ये हम ऊपर आगे हुए हैं फर्स्ट फ्लोर पे इसकी लॉबी में और स्टेयर्स के साथ ऊपर आते ही राइट साइड पे फ्रंट साइड पे टेरेस का डोर है और ये इसमें लॉबी का व्यू, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, शैंडलियर या इंस्टॉल है। नीचे ग्राउंड पे ये 2x2 की टाइल यूज की गई है वाइट और ग्रे कलर में। ये इसमें लिविंग एरिया का मेन डोर और ये बेडरूम का डोर दिया गया, ये फ्रंट साइड पे, ये फ्रंट साइड पे बेडरूम दिया गया और इसके साथ ये टेरेस का डोर, यानी कि ये फ्रंट साइड पे टेरेस दिया गया और साथ ही फ्रंट साइड पे बेडरूम दिया गया। ये बेडरूम का डोर है और ये इसके लिविंग एरिया का मेन डोर और ये दूसरी साइड से ये स्टेयर्स का व्यू। पहले हम इसका लिविंग एरिया विजिट करेंगे। ये इसमें लिविंग एरिया का व्यू, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसके लिविंग एरिया में वॉल डिज़ाइन किया गया। ये इसके फ्रंट मेन वॉल डिज़ाइन की गई है, वुडन वर्क हुआ है इसमें और इसे पेंट किया गया ग्रे कलर में, वॉल पेपर इसमें यूज़ किया गया।
ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, खूबसूरत शैंडेलियर इंस्टॉल है, फैन भी इंस्टॉल है, ये इसमें मीडिया वॉल दी गई है और नीचे ग्राउंड पे ये 2x4 की टाइल यूज़ की गई है। और ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं मास्टर साइज में किचन स्पेस मैनेज की गई है और ये 2 बेडरूम दिए गए हैं। पहले हम इसका किचन विजिट करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये यूनिट दिया गया है यहाँ फ्रिज के लिए, ये कवर्ड स्पेस और ये वॉल के साथ आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ टाइल वर्क। ये सिंक पोडी इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन खूबसूरत शेंडल की इंस्टॉल है, एग्जास्ट की इंस्टॉल है, बिल्कुल सामने डबल विंडो दी गई है सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई। ये विंडो इसकी साइड 5 फीट गली की तरफ ओपन होगी वेंटिलेशन के लिए। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में और ये 2 बेडरूम दिए गए हैं। पहले हम इसका ये फर्स्ट बेडरूम विजिट करेंगे। ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई जो इसकी बैक 5 फीट गली की तरफ ओपन होगी वेंटिलेशन के लिए सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई। ये बेडशीट वॉल डिज़ाइन की गई है, डिश दी गई है इसमें, लाइट्स दी गई और आप देख सकते हैं ये वॉल डिज़ाइन को और ये सीलिंग डिज़ाइन को मर्ज किया गया, बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। फैन ये इंस्टॉल है नीचे ग्राउंड पे, ये 2x4 की टाइल यूज़ की गई है। ये कवर्ड स्पेस, ये इसमें वॉशरूम का व्यू, ये बिल्कुल सामने वैनिटी, ये इलेक्ट्रिक मिरर और आप देख सकते हैं कम्प्लीट यहाँ वॉल के साथ टाइल वर्क, ये डिश दी गई है यहाँ, कमोड ये इंस्टॉल है, शावर सेट ही इंस्टॉल है और ये मेरे साथ ये लाइट्स दी गई, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन एग्जास्ट ही इंस्टॉल है। ये विंडो दी गई है जो इसकी बैक 5 फीट गले की तरफ ओपन होगी और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर में ये टाइल वर्क हुआ है यहाँ और विंडो में ये सेफ्टी के लिए यूज़ की गई। ये हम फुल व्यू ये आप देख सकते हैं कम्प्लीट इसमें टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए बेडरूम में, ये बेडरूम का फुल व्यू, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, इसके साथ ये सेकंड बेडरूम दिया गया, ये हम विजिट करेंगे। ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई है, निश दी गई, ये विंडो इसकी साइड 5 फीट गली की तरफ ओपन होगी, ग्लोब भी इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, फैन का इंस्टॉल है नीचे ग्राउंड पे, 2x4 की टाइल यूज़ की गई है। ये बिल्कुल सामने रेडी यूनिट, ये कवर्ड स्पेस, ये इसमें वॉशरूम का व्यू, ये वैनिटी, इलेक्ट्रिक मिरर, ये आप देख सकते हैं वुडन डिज़ाइन में ग्रे कलर में कंप्लीट यहाँ टाइल वर्क हुआ है, शावर सेट ही इंस्टॉल है, कमोड ये इंस्टॉल है नीचे ग्राउंड पे, ये वुडन डिज़ाइन में ग्रे कलर में टाइल उसकी की है। ये विंडो दी गई है जो इसकी बैक 5 फीट गली की तरफ ओपन होगी, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन एग्जास्ट इंस्टॉल है। ये हम वापस आ गए हैं इसके बेडरूम में, ये बेडरूम का फुल व्यू, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए हैं लिविंग एरिया में, ये लिविंग एरिया हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं, ये दो बेडरूम दिए गए हैं इसके लिविंग एरिया में। अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं और ये बिल्कुल सामने किचन स्पेस, अभी हम इसका थर्ड बेडरूम विजिट करेंगे। इसके लिए हम वापस आ गए हैं इसकी लॉबी में और फ्रंट साइड पर ये फर्स्ट फ्लोर पर टेरेस दिया गया, उसके साथ ये बेडरूम दिया गया, ये इसमें थर्ड बेडरूम का डोर है, ये बिल्कुल सामने बेड साइड होल्ड डिजाइन की, ये ग्लोब भी इंस्टॉल है, ये विंडो दी गई जो सामने से फ्रंट एलिवेशन में ऐड होगी सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई है। बिल्कुल सिंपल इसका सीलिंग डिज़ाइन, फैन की इंस्टॉल है नीचे ग्राउंड पर, 2x4 की टाइल यूज़ की गई, ये इसमें वॉशरूम का व्यू, ये आप देख सकते हैं ये वैनिटी मिरर, ये लाइट्स दी गई, ये विंडोज के टेरेस की तरफ ओपन हो रही है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन एग्जास्ट की इंस्टॉल है, शावर सेट कम्प्लीट यहाँ टाइल वर्क, कमोड या इंस्टॉल है, ये इस वॉशरूम का व्यू, ये इस बेडरूम का फुल व्यू। वॉलपेपर इस घर में यूज़ नहीं किए गए, वो आप अपनी मर्जी से जो है इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सीलिंग डिज़ाइन इसका और ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क, ये इसके टेरेस का डोर, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका टेरेस डिज़ाइन किया गया, ये बिल्कुल सामने ये आयरन रॉड यूज़ किया गया, आयरन से इसे कवर्ड किया गया, ये इसके टेरेस का डिज़ाइन और फ्रंट से इसे कंप्लीट जो है कवर्ड किया गया, सीटिंग टेबल प्लेस जो है मैनेज की गई है यहाँ, ये इसमें टाइल वर्क की निश दी गई है यहाँ, ये ऊपर इसकी ममटी का व्यू, ये इसमें वाटर यूनिट दिया गया और ये इसके टेरेस से इसके साइड 5 फीट गली का व्यू, ये विंडो दी गई है जो इसकी साइड गली की तरफ वेंटिलेशन के लिए ओपन हो रही है और इसी साइज में गली इस घर की बैक साइड पे दी गई है और ये इसमें विंडो दी गई है। ये फर्स्ट फ्लोर पे जो बेडरूम है उसके वॉशरूम की विंडो है जो इसके टेरेस की तरफ ओपन हो रही है। ये फर्स्ट फ्लोर हम कम्प्लीट विजिट कर चुके हैं, अभी हम इसकी छत्र मल्टी विजिट कर लेते हैं।
बहरिया टाउन में एलडी अप्रूव ब्लॉक में ये घर मौजूद है। ए प्लस इस घर की कंस्ट्रक्शन है। पार्क इस लोकेशन के करीब है बिल्कुल। ये इसकी ममटी का व्यू, ये ममटी में आप देख सकते हैं प्रॉपर स्टोर रूम स्पेस दी गई है। ये नीचे ग्राउंड पे वुडन डिजाइन में कंप्लीट टाइल वर्क, ये इसका सीलिंग डिजाइन, ये इसमें विंडो दी गई है जो इसकी छत की तरफ ओपन हो रही है। ये इसमें छत का व्यू, ये इस ब्लॉक का व्यू आप देख सकते हैं 100% डेवलप्ड ब्लॉक है। ये 5 करोड़ 10 लाख इस घर की डिमांड है। जो दोस्त या क्लाइंट इसमें इंटरेस्टेड है, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप घर बनवाना चाह रहे हैं बहरिया टाउन में, तो उस हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।